दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि PWM चार्ज कंट्रोलर की एक कमी क्या है और एक तरह से लिमिटेशन कह सकते हैं वो क्या है। देखिए, ये हमारे पास ल्यूमिनस का है ये चार्ज कंट्रोलर। ये 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 10 एम्पियर का ये ऑटोमेटिक चार्ज कंट्रोलर है। ऑटोमेटिक 12 या 24 को सेंस कर लेता है, वैसे चार्ज करता है। तो अभी क्या करा मैंने, इसका जो सोलर के है ना केबल्स वो वायर्स मैंने यहाँ निकाल करके यहाँ से डायरेक्टली हमने बैटरी में जोड़ दिया है। ये ब्लू वाला वायर देख रहे हैं आप। तो अभी क्या करा हम लोगों ने, जो हमारा 315 वाट का हमारा सोलर पैनल जो ऊपर लगा हुआ है, आपने देखा ही है, ठीक है, इसका जो आउटपुट है वोल्टेज का वो है 38-39 वोल्ट, 40 मान लेते हैं उसको। तो अब ये होता क्या है ना, चार्ज कंट्रोल करता क्या है, मान लीजिए 38 वोल्ट या 40 वोल्ट की सप्लाई इसको मिल रही है और बैटरी हमारी 24 वोल्ट की है, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो उससे 13.5 से 14.5 या 15 वोल्ट तक की सप्लाई होनी चाहिए। तो ये करता क्या है, बैटरी को सही से चार्ज करने के लिए, सेफली चार्ज करने के लिए उसके वोल्टेज को रिड्यूस करता है। वोल्टेज को तो रिड्यूस करता है लेकिन करंट को रिड्यूस नहीं, ना रिड्यूस करता है ना ही बढ़ाता है। तो जो करंट आता है सोलर पैनल से, जैसे मान लीजिए 3.22 एम्पीयर करंट अभी बैटरी में जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, 3.22 करंट जा रहा है। तो यही करंट आपका सोलर पैनल से ही आ रहा होगा। तो आप जानते हैं कि जो पावर होता है वो होता है V×I। तो अगर मैं पैनल का वोल्टेज जो मान लूँ 40 वोल्ट मान लूँ, और अभी तो करंट हमारा 3.2 आ रहा है, अगर हम 4 एम्पीयर करंट मानते हैं कि हमारा सोलर पैनल वो अच्छे जब सनलाइट होगी तो हमें 160 वाट की पावर देगा। 40 वोल्ट का सप्लाई 40 वोल्ट और करंट जो है 4 एम्पीयर, तो हमें कुल कितना मिल रहा है सोलर पैनल से, 160 वाट मिल रहा है। लेकिन जब हम इसे कंट्रोलर से जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या करेगा ये 40 वोल्ट को बैटरी के चार्ज करने के हिसाब से उसे कंट्रोल करेगा। तो ये क्या कर सकता है, 26 वोल्ट भी दे सकता है और 28 वोल्ट भी दे सकता है बैटरी के चार्ज के हिसाब से। तो ये जब 26 वोल्ट करेगा ये, तो वोल्टेज को ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो जो पावर जाएगी बैटरी को वो 26 वोल्टेज इंटू करंट 104 वाट जाएगा, जबकि हमें कितना मिल रहा है सोलर पैनल से, 160 वाट। सेकंड कंडीशन में हम मानते हैं कि हमारी बैटरी को ये 28 वोल्ट से चार्ज कर रहा है हमारा चार्ज कंट्रोलर, तो 28 × 4 कर देंगे तो 112 वाट हमें 112 वाट का ही पावर मिलेगा 160 वाट के सोलर पैनल के आउटपुट से। तो हमें लॉस कितना हो रहा है, 160 माइनस का मानते हैं पीक पावर बैटरी में जो जा रहा है 112, तो हमें 48 वाट का हमें नुकसान हो रहा है इस चार्ज कंट्रोलर से। तो ये नुकसान भी है, तो इसके एक फ़ायदा भी है कि ये बैटरी को ओवरचार्ज करने से बचाएगा, ठीक है ना, डीप डिस्चार्ज करने से बचाएगा, और ये हमारा जो है बैटरी की लाइफ हमारी इससे बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी जो मैंने डायरेक्ट कर रखा है, इससे क्या होगा ना कि अगर हम बहुत देर तक छोड़ देंगे इसको तो बैटरी हमारी क्या हो जाएगी, ओवर चार्ज हो जाएगी। तो क्या एक्चुअली होता क्या है, कोई भी सोर्स चाहता है कि जो हमारा लोड है या बैटरी है वो उसके वोल्टेज के बराबर हो जाए। क्या करेगा ये, 30-32 वोल्ट तक चार्ज कर सकता है इसको, अगर आपने कंटिन्यूस इसको सनलाइट में रखा तो। तो इसलिए ये ज़रूरी तो होता है, लेकिन PWM में थोड़ा ये लॉस होता है। ये मानिए कि 20-25% या 15-25% का लॉस हो जाता है पावर कन्वर्जन में, लेकिन ये सस्ते होते हैं। इसका इलाज क्या है, अगर आपके पास पैसा है तो आप MPPT चार्ज कंट्रोलर लेके आइए। वो क्या करता है, जितना वोल्टेज को रिड्यूस करेगा ना उतना ही गुना करंट को बढ़ा देगा। समझ रहे हैं आप लोग कि यदि करंट को वो क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है तो उसी रेशियो में करंट को बढ़ा देगा, ठीक है। मतलब अगर उसने वोल्टेज को आधा करा MPPT ने तो करंट को दोगुना कर देगा, तो उसका पावर बिल्कुल बराबर जाएगा। मतलब 160 वाट अगर आ रहा है तो हमारी बैटरी को भी 158-157-155 वाट तक जाएगा। लॉस थोड़ा होता है लेकिन ये मानिए कि 98% 97% तक वो एफिशिएंट होता है, लेकिन उसका रेट जो है इसके रेट से 3 गुना 4 गुना होता है। मतलब अगर ये हमारा 600 रुपये का है तो वो आपको कम से कम 2500-2800 को मिलेगा सेम रेटिंग का। और देखो दोस्तों, क्या फ़ायदा हुआ ऐसा करने से, क्योंकि जानते हैं आप लोग की बैटरी हमारी ये ख़राब है, तो अब जब इससे चार्ज कर रहे हैं तो पहले ही पावर को लॉस कर दे रहा है यहाँ से, इसलिए हमें उतना स्पीड नहीं मिल पा रहा था। अभी मैं आपको बताऊँ दोस्तों, इसकी स्पीड इतनी अच्छी मिल रही है और बहुत तेज़ चलने लगी है, क्योंकि पावर जो है बढ़ गया है वोल्टेज बढ़ने से। तो पहले यहाँ से ये नहीं चढ़ पाती ढलान से, अब ये चढ़ जा रही है। आपको दिखाता हूँ मैं, अभी देखिए, अभी आप देखिए क्या नुकसान है डायरेक्ट चार्ज करने से हमारे सोलर पैनल को, पैनल से बैटरी को। देखिए, अगर यही हमारा कंट्रोलर लगा होता है ना तो 31 वोल्ट नहीं आने देता, ये वोल्टेज आने देता 28-29 तक, ठीक है। अभी देखिए आप, अभी हमें पैनल से 31 वोल्ट पहुंच गया हमारा बैटरी,
जो कि इसे कहते हैं ओवर चार्ज। 31 वोल्ट पे पहुंच जाए मतलब ओवर चार्ज है, 29 टू 30 वोल्ट बहुत होता है इसके चार्जिंग वोल्टेज। ठीक है, करंट पूरा वही आ रहा है जो सेम करंट जो वहाँ से आ रहा है पैनल से वो बैटरी को मिल रहा है, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा है। मतलब कुल मिलाकर पावर तो हमें ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन अगर हम लगातार चार्ज करेंगे बैटरी से को इतने वोल्टेज से भी और बढ़ेगा तो हमारी बैटरी ख़राब हो जाएगी। लेकिन अभी चलाने में दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को, सब इसका जो है पावर बढ़ गया है तो वोल्टेज बढ़ने से तो इसकी जो है वोल्टेज से क्या होता है आप जानते हैं, मोटर का पावर भी बढ़ जाता है। जब वोल्टेज बढ़ता है तो क्या होती है, स्पीड भी मोटर की बढ़ जाती है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ अभी चढ़ा के, पहले ये चढ़ती नहीं थी यहाँ से, आपको मैं चला के दिखाता हूँ। देखा 31 वोल्ट हो गया, ये गजब की स्पीड हो गई दोस्तों। लेकर आप शायद फील नहीं कर पा रहे हो वीडियो में, लेकिन मैं फील कर पा रहा हूँ जब पहले मैंने बनाया वीडियो, उससे कहीं अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्पीड अच्छी हो गई है इसकी। और